हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। तो मैं हूँ शैलेंद्र और आज फिर से मैं आप लोग के लिए एक न्यू वीडियो लेकर आ गया हूँ। तो आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि पैन कार्ड में एडिटिंग वगैरह कैसे करते हैं, लाइक अपनी ईमेल वगैरह चेंज करना और फ़ोन नंबर वगैरह चेंज करना। तो आज की वीडियो में हम यही सब सीखेंगे। हमने इससे पहले वीडियो में सीखा था कि इनकम टैक्स में अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं, और आज की वीडियो में हम पैन कार्ड के बारे में जानेंगे कि पैन कार्ड में एडिटिंग वगैरह कैसे करते हैं। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं कि कैसे करते हैं। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो उसको शेयर करें। तो चलिए चलते हैं फ्रेंड्स वीडियो की तरफ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम चलिए चलते हैं ब्राउज़र पे और ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं। कोई सा भी ब्राउज़र जो आप ओपन करते हो, सी डॉट पे क्लिक करके हो सके तो डेस्कटॉप मोड पे डाल लीजिएगा। और डेस्कटॉप मोड पे डालने के बाद हमें ईफिल सर्च बार पे इंटर करके सर्च मारना है। तो आप ईफिल यहाँ पे फिल करिए और सर्च मारना है। सर्च मारने के बाद कुछ इस तरह से हमारे पास एक पूरा का पूरा पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पे टॉप में जो हमें लिंक दिख रहा है इसमें हमें क्लिक करना है। ये हमारा इनकम टैक्स की जो है ऑफिशियल वेबसाइट है, तो क्लिक करते हैं। क्लिक करते कुछ इस तरह से हमारे सामने ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। पॉपअप विंडो को हम क्लोज़ कर देंगे, तो क्लोज़ करते हैं और मैं अब मैं स्क्रॉल करता हूँ और लॉगिन हियर पे आपको क्लिक करना है। तो चलिए क्लिक करते हैं लॉगिन हियर पे। लॉगिन हियर पे क्लिक करते ही लॉगिन पेज ओपन हो जाता है, जहाँ पे यूज़र नेम, पासवर्ड और कैप्शन डाल के हमें लॉगिन करना होता है। यूज़र नेम पे आपका पैन नंबर होगा। तो चलिए लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह की डिटेल ओपन हो जाती हैं। तो अब हम चलेंगे प्रोफाइल में और माई प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते हैं माय प्रोफाइल में। माय प्रोफाइल में क्लिक करने के बाद हमारी प्रोफाइल ओपन हो जाती है, जहाँ पे हमारी सारी कॉन्टैक्ट डिटेल, ईमेल डिटेल, सारी की सारी डिटेल होती हैं। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे एडिट करना है। तो यहाँ टॉप पे आप देखेंगे ये एडिट का ऑप्शन दिख रहा है हमें, जहाँ पे एक पेंसिल का ऑप्शन दिख रहा होगा, पेंसिल टाइप। तो क्लिक करते हैं, इस तरह से हमारे सामने एडिट के ऑप्शन जो है तो दिखने लगेंगे, विजिबल हो जाएंगे। अब हमने अपना इसमें फ़ोन नंबर चेंज करना है। आप ईमेल आईडी वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, मोबाइल नंबर, और ये तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे फिल करेंगे। तो पहला प्राइमरी मोबाइल नंबर हम अपना यहाँ पे फिल करते हैं, और उसके बाद उसके जस्ट नीचे होता है कि प्राइमरी मोबाइल नंबर बिलोंग टू। तो वो सपोज़ कि अगर वो मैं कोई बिलोंग कर रहा है तो मैं अपना ही सेलेक्ट कर लूँगा। तो ऐसा करते हैं, ठीक है। तो हमने प्राइमरी नंबर यहाँ पर देखिए चेंज कर दिया है और सेलेक्ट कर लिया किसको बिलोंग करता है। उसके बाद आता है हमारा सेकेंडरी कॉन्टैक्ट डिटेल। तो सेकेंडरी में भी आपको सेम प्रोसीजर अपनाना है, बस वहाँ पे अपना सेकेंडरी मोबाइल नंबर और सेकेंडरी मोबाइल नंबर जिसको बिलोंग कर रहा होएगा उसको हमने सेलेक्ट कर लेना है। तो चलिए कर लेते हैं। और आप यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी भी कर सकते हैं, नो वरी, आप अपनी ईमेल आईडी भी कर सकते हैं अगर आप अपडेट करना चाहते हैं तो। तो चलिए कर लेते हैं। जब आपका ये सारा फॉर्म फिल हो जाए, जो भी आप इसमें एडिशन करना चाहते हैं, आपको एडिट करने के बाद सारा का सारा फॉर्म फिल करके अच्छे से आपको फॉर्म अपना एक बार रिव्यू कर लेना है, जिससे कि कोई इसमें मिस्टेक ना हो। मैं आपको देखिए ध्यान से बार बार ये सारी चीज़ दिखा रहा हूँ, आप अच्छे से समझ लें कैसे कैसे फिल करना है। एंड ये सारी डिटेल फिल करने के बाद हम इसको सेव कर देंगे। तो चलिए सारी डिटेल फिल कर लेते हैं और फिर इसको हम सेव बटन पर क्लिक करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बिलोंग टू का ऑप्शन आता है कि प्राइमरी मोबाइल नंबर बिलोंग टू, सेकेंडरी मोबाइल नंबर बिलोंग टू, ऐसे ईमेल आईडी वगैरह, तो हमने सेलेक्ट कर लेनी है वो जिसको भी बिलोंग कर रही हो, ठीक है। और जब ये सारी डिटेल्स यहाँ पे फिल हो जाएं तो हमने फॉर्म को सेव, सिंपली सेव ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। स्टेप बाय स्टेप ध्यान से देखिएगा और प्लीज़ वीडियो को कहीं भी पॉज या कि फॉरवर्ड ना करें या कि स्टॉप ना करें, जिससे कि आपको सारी की सारी प्रोसेस समझ में आए। तो सारी डिटेल जैसा कि आप देख रहे हैं फिल हो गई है। अब हम इसको सिंपली सेव कर देंगे
चलिए करते हैं इसको सेव। सेव बटन पर इसको हम क्लिक करते हैं। फॉर्म अच्छी तरह से आप रिव्यू कर लें जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, उसके बाद ही इसको सेव करें। यहाँ पे मैंने सेव कर दिया है और देखिए सेव करने के बाद कुछ इस तरह से पेज हमारे सामने ओपन हो जाता है। तो उसके बाद हमने यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। साइट डिटेल आप चेक कर लें यहाँ पे, और साइट डिटेल चेक करने के बाद हमने यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे चलिए हम क्लिक करते हैं और देखते हैं। तो कंटिन्यू बटन पे हम क्लिक करते हैं और उसके बाद ना हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे और रजिस्टर्ड ईमेल पे दोनों पे एक एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। तो उन दोनों ओटीपी को हमें सेंड कर यहाँ पे इंटर करना है। फ़ोन के सामने फ़ोन का ओटीपी जो कि हमारे फ़ोन नंबर पे गया है, और ईमेल के सामने ईमेल का ओटीपी, दोनों को यहाँ पे फिल करके और उसके बाद हम कंफर्म बटन पे क्लिक कर देंगे। तो चलिए फिल करते हैं दोनों ओटीपी और कंफर्म करते हैं। कंफर्म करते ही हमारे सामने कुछ इस तरह से मैसेज आ जाता है जहाँ पे लिखा हुआ होता है।